This is lecture 12, 11th FSC Physics Part 1, Chapter Number 1, Measurement. ये chapter हमारा lecture 11 पे ख़त्म हो चुका है, but I felt that कि dimensional analysis से related बहुत सारे ऐसे problems हैं जो इस chapter में discuss नहीं हुए हुए, या अगर हुए हुए भी हैं तो वो exercise में question किए गए हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन पे detail एक video lecture बनाया जा सके जिसमें dimensional analysis से related problems solve किए जा सके. So let's start. मैंने आपको बताया कि डायमेंशन जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा कैपिटल लेटर लिखा जाता है. सही है. तो अगर ऐसा है तो क्यों ना हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करें, कुछ चीज़ों की डायमेंशनल एनालिसिस करें. तो हम स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी से, जो कि बराबर है डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम के. तो इसकी आप डायमेंशन लेंगे तो डिस्टेंस की डायमेंशन होती है लेंथ और टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी. तो वेलोसिटी की डायमेंशन बनती है टी ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस वन. दिस इज बेसिकली द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी. याद रखें किसी भी तरह की वेलोसिटी हो, एनी टाइप ऑफ वेलोसिटी, we'll have same dimension. Dimension of L T minus 1. Speed of light हो, speed of sound हो, final velocity, initial velocity, speed or velocity हो, speed or velocity की dimension same है, क्योंकि एक ही तरह की quantity है. Nature of quantity एक है, एक scalar है, एक vector है. ओके. सो इसी तरह मैं एक्सेलरेशन कैलकुलेट करता हूँ. जनरली एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. सो एक्सेलरेशन की डायमेंशन बनेगी वेलोसिटी की डायमेंशन डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन. सो डायमेंशन की कीमत आप पुट करें वेलोसिटी जो कि एल टी माइनस वन के बराबर है, टाइम जो है कैपिटल टी के बराबर है. लिहाजा ए बनेगा एल टी माइनस वन माइनस वन, विच बिकम्स ए इक्वल्स एल टी माइनस टू. सो दिस इज द एक्सेलरेशन, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस टू. अब याद रखें वो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन हो, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन वाला एक्सेलरेशन हो, या रेंडम मोशन में कोई एक्सेलरेशन हो, या रेक्टिलिनियर मोशन में कोई भी एक्सेलरेशन हो, कहीं पे भी हो फिजिक्स में, किसी भी प्रॉब्लम में आप डील कर रहे हैं एक्सेलरेशन को, तो उसकी डायमेंशन हमेशा हमेशा एल टी माइनस वन होगी. सही है. इसी तरह हम फोर्स कैलकुलेट करते हैं एफ इक्वल्स एम ए. सो एम की डायमेंशन ई की डायमेंशन लेंगे. एफ की डायमेंशन निकालने के लिए एम की डायमेंशन जो कि कैपिटल एम के बराबर है, और ए की डायमेंशन हम अभी निकाल चुके हैं एल टी माइनस टू. सो फोर्स की डायमेंशन बनेगी एम एल टी माइनस टू. सही है. सो दिस इज फोर्स की डायमेंशन. अब फोर्स कोई भी हो, सेंट्रीपिटल फोर्स हो या हुक्स लॉ वाला फोर्स हो, हुक्स लॉ एफ इज इक्वल टू के एक्स वाला फोर्स हो, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, या कोई भी फोर्स हो, कोलंबिक फोर्स हो, एट द एंड ऑल आर फोर्स. सो द नेचर ऑफ क्वान्टिटी इज द सेम. सो फोर्स की डायमेंशन इट विल ऑलवेज बी एफ इक्वल एम एल टी माइनस टू. सही है. फोर्स निकाल चुके हैं तो क्यों ना हम प्रेशर निकालें. प्रेशर बराबर होता है फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया.
So if you are supposed to calculate the dimension of pressure, then you have to place, instead of writing P, you have to write square bracket with P, and force key dimension will be MLT minus 2, which I already have calculated, and area is length multiplied by length, which is length square. So this is MLT minus 2, or ye L square upar jayega, to L minus 2 ho jayega, aur L aur L kyunki base is same hai, to powers add ho jayengi ya subtract jo bhi powers hai. So L 1 minus 2 T minus 2, this will be ML minus 1 T minus 2. So this is basically the dimension of pressure, ML minus 1 T minus 2. Isi tarah aap aur bahut sari cheeze like density, stress, strain, tamam cheezon ke dimensions jo aap nikalna chahe nikal sakte hain. Sahi hai? So ab hum dimensions nikalna seekh chuke hain. Ab hum kya karne ja rahe hain? Hum kuch equations ko check karne ja rahe hain ki wo homogeneity unki satisfy hoti hai ya nahi hoti, yani wo consistent equation hai ya nahi hai. First kare aapne 9 metric mein padha tha, even first year mein bhi aap chapter 3 mein padhenge ki second equation of motion lete hain. Let's say first equation of motion, Vf equals Vi plus At. Check if it is dimensionally consistent or not. Yani homogeneity check karna hai. ठीक है, इसकी होमोजेनाइटी चेक करनी है कि ये सही है या गलत है, तो ऑब्वियसली चेक करते हैं. तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वी एफ इज बेसिकली फाइनल वेलोसिटी विच इज डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम. सो फाइनल वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? एल डिवाइड बाय टी मीन्स एल टी माइनस. This is equation 1, left hand side ka answer. Ab right hand side ko solve karte hain zara. Vi plus At ki dimension lenge, to ye banega Vi ki dimension plus A ki dimension into T ki dimension. So Vi plus At ki dimension बराबर होगी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेलोसिटी हो या कोई भी वेलोसिटी हो, वेलोसिटी वेलोसिटी होती है नेचर वाइज, डायमेंशनली इट इज सेम. सो एल टी माइनस, ठीक है. सो एक्सेलरेशन की डायमेंशन होगी एल टी माइनस टू, और टी होगा कैपिटल टी. सो दिस इज वी आई प्लस ए टी एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस टू और वन, ये बनेगा एल टी माइनस वन. तो देखें एल टी माइनस वन भी वही डायमेंशन रखती है जो एल टी माइनस वन रखती है, तो ये दोनों जमा करेंगे तो भी अगेन आप एक ही ऐसी डायमेंशन देंगे जो एल टी माइनस वन की होगी. याद रखें डायमेंशंस सम करते नहीं हैं, सब्ट्रैक्ट करो भी तो एल टी माइनस वन माइनस एल टी माइनस वन का जवाब भी एल टी माइनस वन आएगा, प्लस करेंगे तो भी एल टी माइनस वन आएगा. इसका सेंस ये है कि बेसिकली एल टी माइनस वन की डायमेंशन जो है उसको जमा करोगे एल टी माइनस वन की डायमेंशन पे, तो वो एल टी माइनस वन की डायमेंशन ही देगा. वेलोसिटी इज ऑलवेज वेलोसिटी. सो दिस इज इक्वेशन नंबर टू. इफ यू सी दिस इज इक्वेशन नंबर वन. इफ यू कंपेयर बोथ इक्वेशन देन यू कम अप विद द फैक्ट दैट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू द राइट हैंड साइड. So this equation is right. This is dimensionally consistent. तो वो आपने जो नाइन्थ में ये equation derive किए या first year में, तो ये बिल्कुल ठीक है, सही है. इस तरह आप check कर सकते हो, second और third equation को भी check कर सकते हो. मैं कोई energy की equation check करता हूँ, like kinetic energy is equal to potential energy, which is law of conservation of energy. Conservation of
ठीक है, विदाउट एनी फ्रिक्शनल फोर्सेस। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अगर ग्रेविटेशनल है तो एम जी एस लेते हैं, फर्स्ट से करें तो आप इसकी चेक, इसको चेक करें, चेक इफ इट इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट और नॉट। तो ये बड़ा आसान काम है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड विच इज लेफ्ट हैंड साइड। तो हाफ मैंने कहा कि कॉन्स्टेंट्स जो हैं वो उनकी डायमेंशंस नहीं होती, तो कॉन्स्टेंट नंबर जो नंबर्स हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स कोई नंबर होते हैं तो इनको आपने नहीं लेना। सो एम टाइम्स वी का स्क्वायर, सो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स एम टाइम्स वी की जगह एल टी माइनस वन, लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर लगाएं तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। सो ये काइनेटिक एनर्जी वाली साइड की डायमेंशन आ गई, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ यू सी द राइट हैंड साइड, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, सो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच, एम की जगह कैपिटल एम, जी इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मीन्स जा जाके एक्सेलरेशन है, सो नेचर वाइज दिस इज एक्सेलरेशन, सो यू हैव टू पुट एल टी माइनस टू, नो नीड टू डिस्कस एनी मोर एनीथिंग एनी मोर। ठीक है, सो सीधे सीधे स्ट्रेट अवे मैंने एल टी माइनस टू पुट कर दिया। एच की जगह मैं एल पुट करूँगा बिकॉज हाइट इज ऑलवेज, हाइट इज ऑलवेज कैरिंग अ डायमेंशन ऑफ लेंथ, सो पी ई बिकम्स एम एल टू टी माइनस टू। नाउ इफ यू सी, यू कंपेयर योर इक्वेशन वन एंड टू, यू सी दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स राइट हैंड साइड, विच मीन्स काइनेटिक एनर्जी हैज़ गॉट अ सेम डायमेंशन एज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, सो दिस फार्मूला इज राइट। ओके, दिस फार्मूला इज ओके। So this way you can check the dimensional consistency or homogeneity of a differential of any physical equation. सही ठीक है। इसी तरह हम इसके अलावा dimensional analysis से क्या कर सकते हैं, किसी unknown constant की dimension calculate कर सकते हैं। Let's calculate dimension of some formula, let's say formula of drag force 6 pi eta r v. You better know that this is a formula for, if you are not familiar with this formula, that's fine because you are going to study this in chapter number 5, which is fluid dynamics. So for now, what you have to observe is just observe the dimension of eta. No need to worry about this formula. So taking dimension of force equals 6 pi is a dimensionless constant, so you don't need to consider this over here because you have taken the dimension. So r ki dimension times v ki dimension, so force is m l t minus 2 equals eta. Eta is coefficient of viscosity, humne dimension calculate karni hai eta ki. So our task is just to find the dimension, so you don't need to worry about the whole formula, what is actually this formula is, but what you have to observe is the dimension of eta. So r is the radius, so a radius has got the dimension of length and velocity v has got the dimension of lt minus 1. So if you simplify this, then you see this is L times L, this is L square T to the power minus 1, and now you have to divide this over there and exchange the equation sides L to T minus 1. So
this becomes m l पावर वन, दिस इज एल टू द पावर वन, यहाँ पे डिवाइड में टू है तो ऊपर जाके माइनस टू हो जाएगा, टी टू द पावर माइनस टू, नीचे टी माइनस वन है तो ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगा. सो ईटा हैज गॉट अ डायमेंशन ऑफ एम एल माइनस वन टी माइनस वन. सो इफ यू फाइंड आउट द डायमेंशन देन यू विल सी दिस इज द राइट डायमेंशन. ओके, so you can find out the unit of eta from the dimension as well. How it comes? See, m is mass which has got unit of kg, l is per meter, t is per second. So kg is kg per meter per second is the unit of eta. सही है, इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिट्स भी, अननोन कॉन्स्टेंट्स की यूनिट्स कैलकुलेट कर सकते हो, इसी तरह डायमेंशंस कैलकुलेट कर सकते हो अननोन कॉन्स्टेंट्स की. ये भी एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की. ओके, सो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है फिजिक्स की जो कि पूछा जाता है एग्जाम्स में, वो है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस आप टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कैलकुलेट करें. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो कि एफएससी लेवल के तमाम बोर्ड्स में क्वेश्चन में पूछा, क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है. सो द क्वेश्चन सेज डिड्यूस द रिलेशन for time period of simple pendulum. So ये time period का formula calculate करना है, जबकि time period t depends, it might depends on the following physical quantities. कि time period of pendulum जो है उसके लिए formula derive करो, और time period of pendulum किसी कुछ physical quantities पर depend कर सकते हैं, like length पे, mass of bob पे, mass of bob पे, pendulum का जो bob है उसका mass, इसी तरह g पे डिपेंड कर सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी तरह इट माइट डिपेंड ऑन एंगल थीटा. सही, तो टाइम पीरियड के लिए फार्मूला निकालो, जबकि ये इन चीजों पर डिपेंड कर सकता है, लेंथ पे, मास पे, जी पे, एंगल पे. सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें? सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं ये अजम्पशन लेता हूं कि टाइम पीरियड जो है वो हो सकता है डिपेंड करे लेंथ की पावर ए पे. ठीक है, अब नहीं पता है वो लेंथ की किस पावर पे डिपेंड करते हैं टाइम पीरियड. इन्होंने कहा है कि हाँ टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड कर सकता है, लेकिन नो बडी नोज टू हाउ मच पावर ऑफ लेंथ टाइम पीरियड डिपेंड्स. ठीक है, सो दिस इज रिलेशन नंबर वन. Time period of pendulum might depend on acceleration due to gravity. So g to the power b, relation number 2, and it might depend on mass to the power c, and it might depend on the angle of displacement theta to the power d. सही, तो अब आपने क्या निकालना है? Time period of pendulum का possible formula calculate करना है, जो कि हमें already पता है, लेकिन हम डायमेंशनल एनालिसिस से पता चलाना चाहते हैं. ठीक है, सो पॉसिबली डायमेंशनल एनालिसिस कितनी इंफॉर्मेशन दे सकता है इस इंफॉर्मेशन इस टाइम पीरियड के फार्मूले के हवाले से. सो कंबाइन करें इसके लिए, कंबाइनिंग ऑल रिलेशंस, लेंथ टू द पावर ए, जी टू द पावर बी, एम टू द पावर सी, और थीटा टू द पावर डी, इक्वल के बाद
कांस्टेंट लगाया जाता है लेंथ टू द पावर ए, जी टू द पावर बी, एम टू द पावर सी एंड थीटा टू द पावर डी। सही है, ये चीज हो गई। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, टाइम पीरियड का ये फार्मूला है जिसके अंदर कुछ चीजें अननाउन है, ये कांस्टेंट अननाउन है, ए अननाउन है, बी अननाउन है, सी अननाउन है और डी अननाउन है। पॉसिबली ए बी सी डी और कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाती है तो उसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको टाइम पीरियड का एग्जैक्ट का पॉसिबल फार्मूला मिल जाएगा। सो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस की टेक्निक का सहारा लेंगे। सो मैं कर देता हूँ, टी इज इक्वल टू कांस्टेंट एल की पावर ए, जी की पावर डी बी, एम की पावर सी, थीटा की पावर डी, टेकिंग डायमेंशन बोथ साइड्स, टेकिंग डायमेंशन ऑन बोथ साइड्स। तो टाइम पीरियड की डायमेंशन बराबर है कांस्टेंट के बारे में डायमेंशन, कांस्टेंट डायमेंशन नहीं आप नहीं कैलकुलेट कर सकते, कांस्टेंट्स की डायमेंशन जो कि अननाउन है इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता डायमेंशन एनालिसिस, सो उसको छोड़ देंगे। लेंथ टू द पावर ए करेंगे, जी टू द पावर बी करेंगे, एम टू द पावर सी करेंगे और थीटा टू द पावर डी करेंगे। ठीक है, चलो ये चीज हो गई। अब याद रखें थीटा की कोई डायमेंशन नहीं है, बिकॉज इट इज अ रेशो, इसी कोई डायमेंशन नहीं है तो विच मीन्स इसकी डायमेंशन ये पावर होती है, तो डायमेंशन नहीं है तो डी जीरो है। ठीक है, आपको डायमेंशन की डेफिनेशन पता है, उसमें पता था पावर पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स जो है उनका जिक्र हुआ था कि जो कोरिस्पॉन्ड करती है डायमेंशन को, तो डी जीरो है। सो ये चीज जीरो हो गई तो ये चीज वन हो जाएगा। तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम जो है वो बराबर होगा लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल टू द पावर ए, जी की डायमेंशन एल टी माइनस टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एम की पावर सी हो जाएगा। सो टाइम पीरियड बराबर है एल की पावर ए और एल की पावर बी, टी की पावर लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर से टू बी और एम की पावर सी होल डायमेंशन। एल टू दी पावर ए प्लस बी हो जाएगा, टी की पावर माइनस टू बी हो जाएगा, एम की पावर सी हो जाएगा जो कि टी के बराबर। सही है, अब हमने क्या निकालना है, बेसिकली हमारा टास्क जो है ए बी सी को कैलकुलेट करना है ना। सो आवर टास्क इज टू कैलकुलेट ए बी सी। सो मैं टाइम पीरियड के साथ आपको ये टाइम पीरियड के साथ कुछ चीजें लिखता हूँ। आपको पता है किसी भी नंबर की पावर जीरो किसके बराबर होता है, वन के, तो एम की पावर जीरो भी वन के बराबर होगा, इसी तरह एल की पावर जीरो भी वन के बराबर। तो क्या मैं ये चीजें यहां पे लिख सकता हूँ, क्योंकि इस इक्वेशन की क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ना। सो मैं लिख देता हूँ एल टू द पावर जीरो, टी टू द पावर वन, टी के ऊपर कुछ नहीं है तो वन है, और एम टू द पावर जीरो इज इक्वल टू एल की पावर ए प्लस बी, टी टू द पावर माइनस टू बी और एम की पावर सी। तो कंपेयरिंग द पावर ऑफ लाइक टर्म्स, कंपेयरिंग द पावर ऑफ लाइक टर्म्स, तो आपको पता चलता है फॉर एल जीरो किसके बराबर है, ए प्लस बी के। सो इसका मतलब ये कि ए प्लस बी किसके बराबर हो गया, जीरो के। इसी तरह टाइम पीरियड के लिए फॉर टी माइनस टू बी वन के बराबर है, और फॉर एम एम सी इज इक्वल टू जीरो, फॉर एम। तो लिहाजा आपने निकाल दिया ए प्लस बी, इन कॉफिशेंट्स को कंपेयर कर दिया। बेसिकली मैंने क्या किया, मैं आपको फिर बताऊं, एल की पावर जीरो उससे कंपेयर होगी, टी टी से कंपेयर होगा, एम एम से कंपेयर होगा। तो इस कंपैरिजन के बाद
आपको मिलेगा a प्लस बी जीरो के बराबर है, माइनस टू बी जो है माइनस टू बी वन के बराबर है, जबकि c जीरो के बराबर है और d वैसे भी जीरो हो चुका है। सो लिहाजा b किसके बराबर होगा इस इक्वेशन से, माइनस वन बाई टू के। तो अगर ये माइनस वन बाई टू के बराबर है तो आप इसको पुट करें मन में, तो ये बनेगा a माइन प्लस इंटू माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो, a इक्वल्स वन बाई टू। a और b की वैल्यू भी निकल गई, c जीरो है d जीरो है। तो अब आपको याद होगा टाइम पीरियड का फार्मूला निकालने के लिए हमने एक चीज लिखी थी, कांस्टेंट l टू द पावर a m एल इंटू जी टू दी पावर बी एम की पावर सी और थीटा की पावर डी। बस आपने इस फार्मूले में पुट करना इन वैल्यूज को। तो जब आप इसमें पुट करते हैं तो लेंथ टू दी पावर वन ओवर टू आएगा, जी टू दी पावर माइनस वन ओवर टू आएगा, एम टू दी पावर जीरो, थीटा टू दी पावर जीरो। तो ये चीज वन हो जाएगी, ये चीज भी वन हो जाएगी। सो यू आर लेफ्ट विथ कॉन्स्टेंट एल टू दी पावर हाफ, जी माइनस हाफ है तो ऊपर नीचे जाके प्लस हाफ हो जाएगी, और यू कैन राइट टी इक्वल्स कॉन्स्टेंट टाइम्स एल ओवर जी टू दी पावर हाफ विच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अंडर रूट एल ओवर जी। सो लिहाजा हमने क्या कैलकुलेट किया, डायमेंशनल एनालिसिस से टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का पॉसिबल फार्मूला कैलकुलेट किया, विद एन एक्सेप्शन दैट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कॉन्स्टेंट इन ओरिजिनल फार्मूला देर इज अ टू पाई। दिस एक्चुअली मेक सेंस बिकॉज डायमेंशनल एनालिसिस कॉन्स्टेंट्स की इंफॉर्मेशन नहीं देते, तो हमें जो अभी पॉसिबल फार्मूला मिला है उसमें सिर्फ एक कॉन्स्टेंट लिखा हुआ नजर आ रहा है, टू पाई नजर नहीं आ रहा। बट स्टिल इफ यू आर गिवन विद दिस फार्मूला then you can easily calculate the constant just by making a measurement. आप measurement करके भी इस 2 pi की value calculate कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, time period को constant under root l over g से divide करेंगे तो आपको इसकी value मिलेगी 2 pi. तो लिहाजा time period of pendulum बन गया 2 pi under root l over g. So हमने time period of pendulum का formula derive कर दिया by using dimensional analysis. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द डायमेंशनल एनालिसिस। सो नेक्स्ट चैप्टर जो होगा वो चैप्टर टू होगा, जिसमें हम वेक्टर्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो अप टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।